वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2 बजे तक की रिपोर्ट में 131 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। 2 बजे तक की रिपोर्ट में राजस्थान में ये 131 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। डूंगरपुर में 33, जालौर में 22, उदयपुर में 13 कोरोना पॉजिटिव मिले। जयपुर की अगर बात करें 10, नागौर में 8, राजसमंद सिरोही में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले। बीकानेर में 6, अलवर सीकर में 4 कोरोना पॉजिटिव, जोधपुर में 3, अजमेर में 2, बाड़मेर में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भीलवाड़ा में भी 2, जैसलमेर में 2 और साथ ही झुंझुनू में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। कोटा में 2, झालावाड़ में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बाहरी राज्य का 1 कोरोना पॉजिटिव भी मिला। और इसी के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 6,146। 2 बजे तक की रिपोर्ट में 131 कोरोना पॉजिटिव। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 131 2 बजे तक की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव सामने आ गए हैं, विस्तार से आप पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव बढ़ती जा रही है और प्रदेश में अब तक जो 6 तारीख से पहले कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। बात करें 2 बजे तक आज की, तो आज 131 कोरोना पॉजिटिव 2 बजे तक सामने आ चुके हैं। वहीं आज प्रदेश में 3 और कोरोना पॉजिटिव की मौत दर्ज की गई है और अब प्रदेश में 150 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। बात करें तो लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उसी में रिकवरी की रेट जो दर है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और अब प्रदेश में अब तक 3,422 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं, जिनमें से बात करें तो 3,044 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही एक्टिव केस की बात करें प्रदेश में, तो प्रदेश में 2,574 एक्टिव केस है। लगातार जहां कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे अधिक अब जो संख्या है वो प्रवासी राजस्थान में की है। जो प्रवासी जो लोग हैं वो अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और उनमें सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव अब तक 1,099 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उसमें प्रवासी की संख्या सबसे अधिक है और उसमें सबसे अधिक डूंगरपुर जिले में अब तक प्रवासी सबसे अधिक सामने आ चुके हैं, जहां 256 कोरोना पॉजिटिव प्रवासी को मिल चुके हैं। लगातार जहां कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे अधिक संख्या जयपुर में है। जयपुर में हालांकि आज तक कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,675 हो चुकी है। लगातार प्रदेश में जहां जहां कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे अधिक संख्या है प्रवासी की नजर आ रही है। जिस तरह से पाली, डूंगरपुर, जालौर जो 8 जिले हैं, वहां पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव है वो प्रवासी मिल रहे हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि जो जो प्रवासी आ रहे हैं उनको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा और उनकी जाँच कर लिया जाए ताकि उनको संक्रमण का पता लगाया जा सके और अन्य लोगों में संक्रमण फैलने से बचाया जा सके। हालांकि जिस तरह से जाँच रिपोर्ट आ रही है और जाँच रिपोर्ट सैंपल ले जा रहे हैं, उसका भी दायरा बढ़ाने की प्रयास किया जा रहा है और जून के अंत में जून शुरुआती हफ्ते तक यहाँ 25,000 से बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि अभी प्रदेश में प्रतिदिन के हिसाब से करीब 15,000 की कैपेसिटी है प्रदेश में, 15,000 प्रतिदिन जांच हो सकती है। इसको बढ़ाकर अब 25,000 किया जाएगा। इसको लेकर भी निर्देश किए गए हैं, जहाँ जहाँ प्रदेश में अब अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, वहाँ पर जिला स्तर पर भी अब जाँच सुविधाएं प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।